एक भाई मेरे को कमेंट किया, भाई मास्को कंपनी में जा रहा हूँ, तो मास्को कंपनी में जाएगा तो कैसा होगा और काम कैसा होता है मास्को कंपनी में। तो एक भाई नहीं, काफ़ी सारा भाई मेरे को कमेंट किया। तो देखो भाई, मास्को कंपनी का वीसा गया मुंबई में, दिल्ली में और पंजाब में, और गया आपका झारखंड में, ये चार जगह में आपका वीसा मिलेगा। और जो भाई कोलकाता का भाई मेरा जो वीडियो देखता है, मास्को कंपनी में आ रहा हो, तो उसको मुंबई का ही थोड़ू आपको आना होगा। मुंबई में सिग्नेचर होगा, एग्रीमेंट वगैरह पूरा सब कुछ मुंबई में होगा, हेड ऑफिस में। तो देखो मास्को कंपनी में अगर आप लोग आओगे तो कंपनी में क्या कितना सैलरी मिलता है, तीन चार टाइप का काम होता है। एक नंबर बिल्डिंग का काम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, दो नंबर रोड कंस्ट्रक्शन, तीन नंबर आपका कंक्रीट, कंक्रीट जो मिक्स है ना, मिक्सर कंक्रीट प्लांट में, उस प्लांट का काम, ये तीन काम। और रोड का एस्फॉल्ट जो पिच जो लेबलिंग काम होता है उसका ऊपर भी, तो टेड का ऊपर भी काम है। तो देखो इस कंपनी में अगर आओगे तो आपका ड्यूटी का अगर बात करें तो देखो 8 घंटा आपका ड्यूटी होगा, और सैलरी पुराना भाई काम कर रहे हैं उसका सैलरी 900 रियाल, 800 रियाल, 1000 रियाल, जो पुराना भाई काम कर रहा है 3 साल 4 साल से काम कर रहा है सेम सैलरी में, ओके। और जो भाई नया नया आ रहा है, अभी जो नया अभी से गया, अभी 20 बंदा आया, तो उसका सैलरी लगा 1000 प्लस 200, और किसी को लगा आपका 1300 प्लस 200, वो टेक्नीशियन का, पाइपलाइन का काम, ऐसा जो टेक्नीशियन है ना उस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट का टेड टेड के ऊपर उसका सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा। और जो एकदम लेबर लो, लो लेबर में, लेबर लोगों के लिए सैलरी आपका 1000 रियाल प्लस 200 रियाल, 800 रियाल प्लस 200 रियाल, ऐसा सैलरी, ओके। और ड्यूटी आपका होगा 8 घंटा ड्यूटी होगा। और देखो ओवर टाइम का अगर बात करें, अगर आपको इस कंपनी का जो भाई काम कर रहा है उसका अगर आपका नंबर चाहिए तो नंबर में आप, मैं आपका नंबर दे दूंगा, उसके साथ कांटेक्ट करके सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि कंपनी सैलरी मिलता है। एक भाई मेरे को कमेंट किया, भाई इस कंपनी में सैलरी नहीं मिलता है। नहीं भाई, आप सही सुना, सैलरी नहीं, 2-1.5 साल पहले थोड़ा सा लफड़ा हुआ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सही है, आपको टाइम टू टाइम महीना में सैलरी मिलेगा, सैलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं। और एकामा थोड़ा सा कि एक्सपायर हो जाता है तो थोड़ा सा लेट करता है, लेकिन सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत बड़ा कंपनी, काम भी बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लिया, रोड का बिल्डिंग का प्रोजेक्ट लिया, आउटसाइड आपको काम करना होगा, पूरा धूप में काम करना होगा, बाकी आपका मर्जी। भाई तब भी बोलोगे कि वह हामिद भाई आप ऐसा ऐसा बात नहीं किया, कि बिल्डिंग का काम आप लोगों को तो पता है, बिल्डिंग रोड्स कंक्रीट इंस्पेक्टर प्लांट का काम कैसा होता है आप लोगों को पता है, इंडिया में कैसा कैसा होता है, L&T टाटा में जैसा काम होता है, इधर भी सेम काम ऐसा हो, नेस्मा में भी सेम काम, सेम नेस्मा कंपनी, नेस्मा इन पार्टनर्स, सेम तरीक़े से, सेम कैटेगरी कंपनी भाई, मास्को कंपनी सेम, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। जो भाई आ रहा है अभी, अगर उस भाई का अगर नंबर चाहिए उसके साथ बातचीत कर सकते हो, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं नंबर दे दूंगा, उसके साथ आराम से बातचीत करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले लो कितना घंटा। अरे देखो ओवर टाइम का बात करें तो आपको 2 घंटा मिलेगा, 100% मिलेगा, 2 घंटा 90% आपका 2 घंटा मिलेगा, साइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, भाई बोला साइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई साइड में ओवर टाइम नहीं मिलता है, बोनस मिलता है। तो उस भाई को मैं पूछा भी कि 1 घंटा में कितना रियाल देता है ओवर टाइम के लिए, तो बोला बेसिक के ऊपर उसका ओवर टाइम का पैसा आएगा, 7 रियाल हो, 8 रियाल हो, 5 रियाल हो, उसका बेसिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और साइड के ऊपर आपको ओवर टाइम डिपेंड कर रहा है, कि ओवर टाइम आपको किसी साइड में ओवर टाइम नहीं है तो उसको बोनस मिलता है। तो महीना का शेष में आपका 1600 1500 1600 इतना आएगा भाई, उसमें आप खाओगे 300 350 रियाल खाओगे, बाकी आपका आएगा पूरा इधर उधर काट के, बाकी जमेगा आपका 1100 1100 जमेगा, ओके। क्लियर बात आप लोगों को मैं खोल के बताया, और बाकी आप लोगों को मर्जी अगर आओगे कि नहीं आओगे, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए दूसरा कोई कंपनी का, और इस कंपनी का बारे में कि पैसा सैलरी नहीं देता है कि नहीं देता है,
ऐसा कोई बात नहीं भाई, सऊदी अरब में ऐसा नहीं है, अभी बहुत काम हो गया लेकिन सप्लाई ज़्यादा भाई। तो इस कंपनी में आओगे तो सप्लाई नहीं है, डायरेक्ट कंपनी, कंपनी का मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी अभी सही चल रहा है। नहीं, डायरेक्ट कंपनी में काम मिलेगा आपको, सैलरी आपका 1000 प्लस 200 1200 रियाल, 800 प्लस 200 1300 प्लस 200, उसका ट्रेड के ऊपर, जो भाई ट्रेड काम सीख के आ रहा है, जिस ट्रेड में वीसा लगाया तो उसको सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा 1500 रियाल सैलरी। ओके, तो ऐसा था, बहुत सारा भाई मेरे को कमेंट करा, भाई जल्दी बताओ जल्दी बताओ, वीसा लग गया। देखो ऐसा बोल दिया कि आपको गर्मी में आउटसाइड में काम होगा, बिल्डिंग लाइन का काम। भाई मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बिल्डिंग, रोड्स, कंक्रीट, प्लांट का जो मिक्सर मशीन है उसको आपको धूप में काम करना होगा, बाकी आपका मर्जी, अगर आओगे नहीं आओगे। अब इंडिया में आप लोग काम किया तो कोई दिक्कत नहीं, इधर आके काम कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं। और अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में काम नहीं किया तो आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि सऊदी अरब में 4 महीना आपको इतना गर्मी आएगा कि सोच नहीं सकते हो, इतना गर्मी भाई आउटसाइड में, इतना धूप। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, और बहुत मसला जो आपका जो अंदर का जो डाउट था आप लोगों को मैं क्लियर कर दिया, सैलरी मिलेगा भाई, सैलरी का कोई मसला नहीं है। अभी मसला है कि तुम्हारा 2 साल बाद एकामा रेन्यू करेगा कि नहीं करेगा कंपनी, आपका दूसरा कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो रेन्यू कर देगा, नहीं तो आपको एग्जिट भेज देगा, ऐसा कोई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अभी लिया कंपनी, अभी काम चालू कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, और वीसा भी 4 जगह में गया, आप लोगों के बता दिया। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं करो आपका मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन कमेंट करो भाई, ये इस कंपनी में जा रहा हूँ हमिद भाई तो कैसा होगा, कमेंट करो भाई। मैं कि कहीं से भी हो, किधर से भी हो, मैं बंदा को लेके नंबर भी दे दूँगा आपको, उसके साथ आराम से बात करो, व्हाट्सअप में फ़ोन मत करो, व्हाट्सअप में वॉइस करो, मैसेज करो, वो खुद रिप्लाई दे देगा भाई। थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प मिलेगा तो आप, मेरे को अंदर से खुशी होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं हेल्प किया। एजेंट लोग बहुत चुतिया बनाता है ना, इसलिए आप लोगों को सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प करो, आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए कि। और भी एक बात भाई, जो 1,20,000 रुपया मैं दे के आ रहा हूँ भाई को, मैं बोला ऐसा ऐसा बात भाई, 1,50,000 रुपया ले रहा है इंडिया में, तो एक ही बात सही है कि क्या, तो बोला भाई नहीं, 80,000 रुपया 90,000 रुपया दे के नया नया भाई आ रहा है 1,00,000 का नीचे। तो एजेंट को बोलो कि 1,00,000 का नीचे अगर मेरा का वीसा का सर्विस चार्ज है तो मेरे को भेजो, और 1,00,000 का ऊपर है तो नहीं आओ भाई, बहुत बहुत सर्विस चार्ज ले रहा है वो, 1,00,000 का ऊपर है तो नहीं आओ, बाकी आपका मर्जी भाई। लेकिन जो भाई आया 80,000 रुपया 90,000 रुपया ऐसा दे के आया, सर्विस चार्ज दे के आया। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।